नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी या बाइक के पीछे कुत्ते मगर पड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ नहीं करते, वो स्पेशल लोगों के पीछे ही भागते हैं। आप अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो दोस्तों आज इसी अमेजिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके बाइक या गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं तो उसका फैक्ट ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक कहीं पर भी पार्क करते हो तो वहाँ के डॉग्स आपकी गाड़ी के टायर पर पेशाब कर देते हैं। तब जब आप इस गाड़ी को लेकर कहीं मार्केट जाते हो या किसी मोहल्ले में जाते हो तो वहाँ के कुत्ते इसकी सुगंध लेकर वो आपका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भाग के पीछा करने में मजा भी आता है। वो असल में आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बस आपका ध्यान खींचकर आपके साथ खेलना चाहते हैं। गाड़ियों के पीछे कुत्तों के भौंकने का और दौड़ने की एक वजह ये भी हो सकती है कि कुत्तों को तेज रफ्तार गाड़ियों से डर लगता है, तो वो सेल्फ डिफेंस में भी ऐसा करते हैं। तो अक्सर ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि तेज बाइक या कार चलाते हैं। बट ऐसा कभी देखने को भी मिल सकता है कि अगर आप स्लो बाइक या गाड़ी चला रहे हो तब भी आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर भी खड़ी हो, आपके मोहल्ले का कुत्ता आपकी गाड़ी के टायर पर पेशाब कर दे, तो आप देखना आपके मोहल्ले के कुत्ते, अगर जिसने पेशाब किया है उसके अलावा कोई और कुत्ता हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी पहचान होती है। लेकिन अगर आप अपनी बाइक या गाड़ी किसी दूसरे मोहल्ले में ले जाएं तो वहां के कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे भागेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही रेयर टॉपिक है। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, जिस गेम से हमारा सारा टाइम पास होता था, क्या कभी सोचा था वो गेम हमारे लिए कुछ सीखने के लिए लेकर आएगी? क्या आपके दिमाग में आई वो गेम? हाँ हाँ, वही सांप सीढ़ी, जिसे ब्रिटिशर्स स्नेक्स एंड लैडर्स भी बोलते थे, हमारे बचपन की इकलौती गेम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी इस गेम को उतना ही खेला और पसंद किया जाता है जितना हम अपने बचपन में किया करते थे। सारा दिन लगे रहना, गर्मी की छुट्टियों में सबको खेलने के लिए कहना और पेरेंट्स से ताने सुनना, याद आया? कान पकड़कर जब वो बोलते थे, पढ़ लो लिख लो कुछ बन जाओगे, इस गेम ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाना। लेकिन दोस्तों, आज इसी गेम से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और ये बात अगर हमें पहले पता होती तो हम अपने पेरेंट्स को ये बता पाते कि ये गेम भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलो मैं आपको इस गेम के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। ये खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे मोक्ष पद के नाम से भी जाना जाता था। इस खेल में सीढ़ियाँ यानी लैडर्स वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, और सांप यानी स्नेक्स अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों और पासों के साथ खेला जाता है। आगे चलकर इस गेम में काफी बदलाव लाए गए, लेकिन इस गेम का अर्थ वही रहा, अच्छे काम को स्वर्ग की ओर लेकर जाना है और बुरे काम को दोबारा जन्म देकर चक्कर में डालना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको भारतीय आज भी याद करते हैं, और उन्हें ये अफसोस है कि वह अगर जीवित होते तो शायद इस देश में कुछ सुधार हो पाता। उस शख्सियत के बारे में तो मैं बाद में बात करती हूँ, पर पहले हम बात करेंगे भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतर आया है। वो अपनी जिद पर अड़ गया है कि अगर सेंट्रल सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वह दिन रात अपना घर बार छोड़कर वहीं बैठे रहेंगे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सेंट्रल सरकार अगर उनकी बात मान लेती है तो शायद ऐसा ना हो। लेकिन इन दिनों में हमारे देश की दशा को देखकर लोग एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वह आज होते तो ये सब ना होता। जी हाँ दोस्तों,
जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। बाद में पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अब तो नई धोती ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, भारत के करोड़ों किसान ऐसी धोती पहनते हैं, मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Only Facts हिंदी पर। दोस्तों, हमारे भारत देश में जाबाजों की कमी नहीं है। ऐसे ही एक जाबाज से जुड़ा हुआ रेयर टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपने फैसलों पर दृढ़ रहे तो वह वक्त का पहिया भी घुमा सकता है। अगर हमारे भारत देश में कोई लड़का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए तो देश का नाम ऊंचा होता है, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनाए तो देश का नाम ऊंचा ही नहीं बल्कि सीना भी चौड़ा हो जाता है। आज हम जिस लेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने 7 समुंदर को तैर कर पार किया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। बुला चौधरी, जिनका जन्म 2 जनवरी 1970 हुगली भारत में हुआ था, यह एक अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री अवार्डी भी हैं। भारत की पूर्व महिला राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन और 2006 से 2011 तक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की विधायक भी चुनी जा चुकी हैं। उनकी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता 9 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने 6 संप्रदायों में 6 स्वर्ण पदक जीतकर अपने आयु वर्ग में वर्चस्व कायम किया। उन्होंने सुधार करना जारी रखा, विभिन्न जूनियर और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। साथ ही 1991 के दक्षिण एशिया महासंघ खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीते। वह 12 साल की उम्र में अपने पहले नागरिकों के पास गई, जो कि एक सार्वकालिक रिकॉर्ड है। इसने उसे ब्रिस्बेन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रिले चौकड़ी में जगह देने के साथ साथ एशियाड संभावितों की सूची में एक प्रमुख स्थान की गारंटी दी। 1984 में उसने 1 मिनट 6.19 सेकंड का राष्ट्रीय 100 मीटर तितली रिकॉर्ड बनाया। 1986 में सियोल एशियाई खेलों के दौरान उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 5.27 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया और 200 मीटर बटरफ्लाई में 2 मिनट 19.60 सेकंड का एक और रिकॉर्ड बनाया। चौधरी ने 1979 में लंबी दूरी की तैराकी शुरू की और इस साल अंग्रेजी चैनल को पार कर लिया। उन्होंने 1996 में 81 किलोमीटर यानी कि 50 मील मुर्शिदाबाद लॉन्ग डिस्टेंस स्विम जीता और 1999 में उन्होंने इंग्लिश चैनल फिर से पार कर लिया। अगस्त 2004 में उन्होंने लगभग 14 घंटों में श्रीलंका के तालिमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पुल स्टेज पर तैरकर यह रिकॉर्ड बनाया। वह 2005 में 5 महाद्वीपों से दूर समुद्री चैनलों पर तैरने वाली पहली महिला बनी। ग्रीस में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, टेरेनियन सी, कुक स्ट्रेट, टोरोनोस गल्फ को छोड़कर कैलिफोर्निया चैनल को कैलिफोर्निया तट से बंद कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास रोबेन द्वीप के लिए 3 लंगर खाड़ी। उसने 3 घंटे 26 मिनट में 30 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया। वह अब कोलकाता में एक तैराकी अकेडमी स्थापित करने की योजना बना रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Only Facts हिंदी पर। दोस्तों, 2020 में हम सब ने COVID-19 का सामना किया है और सबको ये उम्मीद है कि 2021 तक सब माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2021
2020 से भी ज्यादा भयानक होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन फ्रांस के एस्ट्रोलॉजर माइकल डी नोस्ट्राडामस की बुक में लिखी गई उनकी भविष्यवाणी बोल रही है। आइए जानते हैं इस भविष्यवाणी के बारे में। करीब 465 साल पहले माइकल डी नोस्ट्राडामस की दुनिया को लेकर की गई भविष्यवाणियां आज तक लोगों को हैरान कर रही हैं। प्रोफेसीज ऑफ नोस्ट्राडामस नाम की अपनी किताब में नोस्ट्राडामस ने कुल 6338 भविष्यवाणियों का जिक्र किया है, जिनमें से 70% सच साबित हुई हैं। इस किताब का पहला संस्करण 1555 में आया था। किताब में उनकी भविष्यवाणियां छंदों में परिभाषित है, जिसे क्वाड्रन भी कहा जाता है। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। इस महामारी को भी नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक घटनाएं भी उनकी सच्ची भविष्यवाणियों से साबित हुई हैं। आइए जानते हैं 2021 को लेकर उनकी की गई भविष्यवाणियों के बारे में। नोस्ट्राडामस की किताब के मुताबिक एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन और वायरस बनाएगा जो इंसान को जॉम्बी बना देगा। नोस्ट्राडामस ने किताब में जिक्र किया था कि जब दुनिया का अंत नजदीक होगा तो अकाल, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां और महामारी इसके पहले संकेत देंगी, जैसा कि इस दौर में हो भी रहा है। कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसा अकाल होगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया होगा। नोस्ट्राडामस के अनुसार 2021 में सूर्य की तबाही पृथ्वी के क्षतिग्रस्त होने के कारण बनेगी। किताब में चेतावनी देते हुए उन्होंने समुद्र तल के बढ़ने और पृथ्वी के उसमें समाने की बात भी की थी। जलवायु परिवर्तन के ये नुकसान युद्ध और टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। रिसोर्स के लिए दुनिया में झगड़े शुरू होंगे और लोग पलायन करेंगे। नोस्ट्राडामस ने एक क्वाड्रेंट में पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की बात भी की है, जो भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बनेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये एस्टेरॉयड उबलना शुरू कर देगा। आकाश में ये नज़ारा ग्रेट फायर जैसा होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही एक बड़े धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई है। इस बार इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि 2009 KF1 नाम का एक एस्टेरॉयड 6 मई 2021 को पृथ्वी से टकराने का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड की ताकत 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से करीब 15 गुना ज्यादा होगी। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के मुताबिक एक भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह कर देगा। कैलिफोर्निया को इसका लॉजिकल प्लेस कह सकते हैं, जहां ये घटना हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं और ट्रेजेडियों को लेकर नोस्ट्राडामस की गई भविष्यवाणियां एकदम सच निकली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Only Facts हिंदी पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। Google ने सोमवार को उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का पहला दिन और नासा के सहयोग से एक डूडल के साथ बृहस्पति और शनि के दुर्लभ संयोग को मनाया। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति के निशान है, लेकिन 2020 में वर्ष की सबसे लंबी रात भी अविश्वसनीय खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रही है, जिससे महान संयोजन के रूप में जाना जाता है। गूगल ने कहा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों और साल के सबसे लंबी रात के लिए हुंकार के रूप में ऐसा लगता है कि बृहस्पति और शनि ने दुनिया के लिए एक बहुत ही असामान्य शो डालने का फैसला किया है। हमारे और मंडल में दो सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि लगभग डबल प्लैनेट बनाने के लिए ओवरलैप होंगे। एक घटना जो लगभग 800 साल पहले मध्य युग के बाद से आसानी से दिखाई नहीं देती थी। इस दुर्लभ दोहरे ग्रह को देखा जा सकता है, या ये कहें कि ग्रेट कंजंक्शन को दुनिया भर में किसी भी जगह से देखा जा सकता है। उनकी कक्षाओं के आधार पर पृथ्वी पर हमारे सहूलियत बिंदु से बृहस्पति और शनि एक दूसरे से 1 डिग्री के भीतर पार हो जाएंगे। यह एक बार के जीवन काल के मिलन स्थल को डूडल कलाकृति में फिर से बनाया गया है, जहां हम एक एनिमेटेड शनि उच्च 5 बृहस्पति को देखते हैं,
क्योंकि यह अपनी कक्षा में जाता है। जबकि दोनों ग्रह समीप दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में लगभग 450 मिलियन मील की दूरी पर एक विशाल दूरी बनाई रखेंगे। यदि आप वर्ष की सबसे लंबी रात को ग्रेट कंजंक्शन को देखने की रुचि रखते हैं, तो एक क्षेत्र या पार्क जैसे आकाश के एक अबाधित दृश्य के साथ एक स्पॉट खोजें। सूर्यास्त के एक घंटे बाद बृहस्पति एक चमकते सितारे की तरह दिखाई देगा और दक्षिण पश्चिम के आकाश में आसानी से दिखाई देगा। शनि थोड़ा तेज होगा और 21 दिसंबर तक बृहस्पति के थोड़ा ऊपर और बाईं ओर दिखाई देगा। जब बृहस्पति इससे आगे निकल जाएगा और वे आकाश में स्थिति को उल्टा देंगे, इनको देखने के लिए आप दूरबीन का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इन ग्रहों को अभी भी बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर शख्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा। इस सवाल में सब उलझे रहते हैं और हमें इसका सही उत्तर मिल ही नहीं पाता। तो आइए आज हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका सही जवाब बताने का दावा किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि धरती पर अंडे से पहले मुर्गी का जन्म हुआ था। वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया है कि ओवोक्लाइडिन नाम का प्रोटीन अंडे के खोल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने यह बताया है कि प्रोटीन मुर्गी के अंडाशय से पैदा होता है, इसलिए पहले अंडा आया या मुर्गी, ये पहेली सुलझ गई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पहले मुर्गी आई और इसके बाद अंडा पैदा हुआ। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि प्रोटीन पैदा करने वाली मुर्गियां पहले कैसे आई। इस दल ने अंडे के खोल को देखने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर हैक्टर का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी शख्सियत है जिनका नाम भी बड़ा है और काम भी। उनमें से एक शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम है मुकेश अम्बानी, हमारे भारत के पहले रिचेस्ट मैन, यानी कि नंबर एक अमीर आदमी। इनका काम तो सबको पता ही है, लेकिन इनका दिमाग जहाँ चला वहाँ के लोग बॉम्ब हथियार के अलावा बात ही नहीं करते थे। ये तो तब की बात है, अब तो काफी सुधार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अंबानी और पाकिस्तान का क्या लेना देना। तो दोस्तों, हमारे देश में पेट्रोल, गैस और ऐसी ऐसी चीजें जिनके गोदाम हमारे भारत देश में है और बेहद ही खतरनाक गोदाम है, ये सारे गोदामों में अगर जरा सी भी लापरवाही की गई तो इसके आसपास के लोगों को, मोहल्लों को, गलियों को और बिल्डिंगों तक को नुकसान पहुंच सकता है। और ये सारे शेयर्स अंबानी के हिस्सों में आते हैं। और एक दिन ऐसा आया था जिस दिन इन गोदामों को उड़ाने की कोशिश भी की गई। अंबाला छावनी में डिपो भी रेलवे ट्रैक और जीटी रोड के समीप स्थित है। पेट्रोल और डीजल के 400 टैंकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किए जाते हैं। आतंक फैलाने के लिए इन गोदामों पर हमला हुआ, तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हमारे भारत से कम बनती थी और पाकिस्तान का नाम इस घटना में आ रहा था। मुकेश अंबानी ने दिमाग लगाकर पाकिस्तान से इन गोदामों की इंश्योरेंस करवा ली थी कि अगर इन गोदामों पर दोबारा हमला हुआ तो इसका 4 गुना घाटा पाकिस्तान भरेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक चौंका देने वाले टॉपिक के बारे में, जिसका अंत होने में ही सबकी भलाई थी। दोस्तों, हम लड़कियां खूबसूरती के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, लेकिन काफी सालों पहले एक ऐसी ही महिला थी जिसका खूबसूरती रखने का अंदाज बिल्कुल ही भयानक था। इसी कारण उसे सीरियल किलर के नाम से जाना जाता था, जिसने अपने खौफ से ऐसी दहशत पैदा कर रखी थी जिसका अंत होने में ही फायदा था। वहां रहने वाले लोगों का ये सीरियल किलर, जिसका नाम एलिजाबेथ बैथरी था, उनका जन्म 7 अगस्त 1560 नियर बैथर किंगडम ऑफ हंगरी में हुआ, और इसने अपने पागलपन के कारण कई लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास में एलिजाबेथ के इन काले कारनामों की तारीख 1585 से 1610 के बीच में बताई गई है। इस दौरान उसने 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। बताया जाता है कि एलिजाबेथ ने ये सारी हत्याएं अपने महल में ही की थी, क्योंकि एलिजाबेथ हंगरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बैथरी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी फेरिंग नडेसडी नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। कहा जाता है कि एलिजाबेथ का पति जब जिंदा था, तब भी वह लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन साल 1604 में पति की मौत के बाद उसका जुर्म करने का सिलसिला और बढ़ गया था। एलिजाबेथ स्लोवानिया के चास्चेस स्थित अपने महल में रहती थी और अपने जुर्म को भी वहीं अंजाम देती थी। इस जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका पूरा साथ देते थे। पहले वह गरीब लड़कियों को नौकरी के बहाने अपने महल में बुलाती थी, फिर बाद में उनका शिकार करती थी। बताया जाता है कि एलिजाबेथ पहले युवतियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करती थी, फिर उनके हाथों और पैरों को जला देती थी। यही नहीं, वह उनके नाजुक अंगों को भी नुकसान पहुंचाती थी। कभी कभी तो खुद उन्हें अपने दांतों से काट भी देती थी। बाद में उनकी हत्या कर उनका खून एक टब में इकट्ठा कर उससे घंटों तक नहाती थी। बताया जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई, तब उसने ऊंचे परिवारों की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। यह बात जब हंगरी के राजा तक पहुंची, तब उन्होंने मामले की जांच करवाई, तब इस मामले का खुलासा हुआ। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए थे। साल 1610 में एलिजाबेथ बैथरी को उसके ही घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसके ही महल में एक कमरे में उसे कैद कर दिया गया। 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। एक रूसी मछुआरे का कहना है कि जस्टिन बीबर ने उनकी जान बचाई। तो चलिए, इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि ये कैसे हुआ। इगोर विरोजबेत्सिन उत्तरी रूस मछली पकड़ने की जगह के लिए अपने रास्ते पर था, जब उस पर अचानक एक भालू द्वारा हमला किया गया था। विरोजबेत्सिन ने सेंट्रल यूरोपियन न्यूज को बताया, मैंने अपनी कार पार्क कर दी थी। मेरी पीठ पर जबरदस्त प्रभाव डल रहा था, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि भालू मेरे ऊपर बैठा था। लेकिन फिर जो हुआ उससे पता लगता है कि विरोजबेत्सिन बहुत भाग्यशाली था। 42 वर्षीय व्यक्ति के सेल फोन पर घंटी बजने लगी, और जो घंटी बजी वो था जस्टिन बीबर का गाना बेबी। और जब घंटी बजी तो आवाज से या तो भालू डर गया था, या फिर वो खुद ही बीबर का प्रशंसक था। तभी भालू ने विरोजबेत्सिन को वहां से उठने दिया। विरोजबेत्सिन ने कहा, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकता। जब फोन की घंटी बंद हुई तो भालू वहां से भाग गया। मुझे पता है कि ऐसी रिंगटोन हर किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन मेरी पोती ने इसे मजाक के तौर पर मेरे फोन में लोड कर दिया था। भालू के भाग जाने के बाद विरोजबेत्सिन ने मदद के लिए कुछ मछुआरों को बुलाया। वह अब उस हमले से उभर रहा है, जिसने उसके चेहरे और छाती के चारों ओर कट और चोट के निशान छोड़ दिए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी किस्मत पे विश्वास रखते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।